अस्माकं तु विशिष्टा ये तन्निबोध द्विजोत्तम नायिकामं सैन्यस्य संज्ञार्थ तान्व विमि ते भवानी भीष्मच कर्णश्च कृपश्च समितिन यह अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमतिस्त देव च अन्य जो वैव शूर मदरते त्यक्त जीवतः नाना शस्त्र प्रहारणाः सर्वे युद्ध विशाल दह। नमस्कार युवा, और आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरा रामचरित मानस का पाठ अवश्य देखते होंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कल तक हमने कहाँ तक जाना था। तो कल तक जो जाना था उसकी मैं चार पंक्तियाँ बढ़ती हूँ। कोई सा विशेष रूप बिना उसका नाम जाने हथेली पर रखा हुआ भी पहचाना नहीं जा सकता, और रूप के बिना देखे भी नाम का स्मरण किया जाए तो विशेष प्रेम के साथ वह रूप हृदय में आ जाता है। नाम और रूप की गति की कहानी विशेषता की कथा अकथनीय है, वह समझने में सुखदायक है, परंतु उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। निर्गुण और सगुण के बीच में नाम सुंदर साक्षी है, दोनों का यथार्थ ज्ञान कराने वाला चतुर दुभाषिया है। तो कल तक हमने यहाँ तक जाना था, और उद्देश्य मेरा वही है मंदिर का, और चाहती हूँ कि इसमें पहले की तरह चाहती हूँ कि आप लोग मेरे सहयोग कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग कीजिए। थोड़े सहयोग कर रहे हैं आप लोग, पर ज़्यादा कीजिए, बहुत ज़्यादा की ज़रूरत है मुझे। मुझे आप लोगों के प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और इसीलिए मैं उसमें कुछ अपना योगदान कर पाऊँगी। तो आप लोग उसमें सहयोग कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मैं मंदिर की वीडियो डालती हूँ, उससे पहले मैंने जो गीता का पाठ पढ़ा है, गीता के जो श्लोक पढ़े हैं, मैं उसका हिंदी रूपांतरण आपको बताती हूँ, अनुवाद करके मैं बताती हूँ। भागवत गीता का श्लोक का हिंदी रूपांतरण। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में भी जो प्रधान है उनको आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के जो जो सेनापति हैं उनको मैं बतलाता हूँ। आप द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और सग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्वा और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से शूरवीर, अनेक प्रकार के शास्त्रों से सुसज्जित और सबके सब युद्ध में चतुर हैं। तो मंदिर की वीडियो आपने देखी, आपको मेरा पाठ कैसा लगता है मुझे अवश्य बताया कीजिए, कमेंट कीजिए किया कीजिए, और सब्सक्राइब एंड शेयर तो आपको करना ही है। तो अब हम चलते हैं आज के अर्थ पर। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस कार्यक्रम रामचरित मानस के बालकांड पाठ में। तुलसीदास जी कहते हैं, यदि तू भीतर और बाहर दोनों ओर उजाला चाहता है तो मुख रूपी द्वार की जीव रूपी देहली पर राम नाम रूपी मणि दीपक को रखते। ब्रह्मा के बनाए हुए इस प्रपंच दृश्य जगत से भलीभांति छूटे हुए वैराग्यवान मुक्त योगी पुरुष इस नाम को ही जीव से जपते हुए तत्व ज्ञान रूपी दिन में जागते हैं, और नाम तथा रूप से रहित अनुपम अनिर्वचनीय अनामय ब्रह्म सुख का अनुभव करते हैं। जो परमात्मा के गूढ़ रहस्य को यथार्थ महिमा को जानना चाहते हैं, जिज्ञासु भी नाम को जीव से जपकर उसे जान लेते हैं। लौकिक सिद्धियों के चाहने वाले अर्थार्थी साधक लौ लगाकर नाम का जप करते हैं और अनिवादी आठों सिद्धियों को पाकर सिद्ध हो जाते हैं। संकट से घबराए हुए आर्त भक्त नाम जप करते हैं तो उनके बड़े भारी बुरे बुरे संकट मिट जाते हैं और वे सुखी हो जाते हैं। जगत में चार प्रकार के अर्थार्थी, धनादि की चाह से भजने वाले, दूसरा आर्त संकट की निवृत्ति के लिए भजने वाले, तीसरा जिज्ञासु
भगवान को जानने की इच्छा से भजने वाले, चौथा ज्ञानी भगवान को तत्व से जानकर स्वाभाविक ही प्रेम से भजने वाले राम भक्त हैं, और चारों ही पुण्यात्मा पाप रहित और उदार हैं। चारों ही चतुर भक्तों को नाम का आधार है। इसमें ज्ञानी भक्त प्रभु को विशेष रूप से दिए हैं। यों तो चारों युगों में और चारों ही वेदों में नाम का प्रभाव है, परंतु कलयुग में विशेष रूप से है। इसमें तो नाम को छोड़कर दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। जो सब प्रकार की भोग और मोक्ष की भी कामनाओं से रहित और श्री राम भक्ति के रस में लीन है, उन्होंने भी नाम के सुंदर प्रेम रूपी अमृत के सरोवर में अपने मन को मछली बना रखा है, अर्थात वे नाम रूपी सुधा का निरंतर आस्वादन करते रहते हैं, क्षण भर भी उससे अलग नहीं होना चाहते। निर्गुण और सगुण ब्रह्मा के दो स्वरूप हैं, ये दोनों ही अकथनीय अथाह अनादि और अनुपम हैं। मेरी सम्मति में नाम इन दोनों से बड़ा है। जिसने अपने बल से दोनों को अपने वश में कर रखा है। सज्जनगण इस बात को मुझ दास की चिठाई या केवल काव्योचित न समझें। मैं अपने मन के विश्वास प्रेम और रुचि की बात कहती हूँ। निर्गुण और सगुण दोनों प्रकार के ब्रह्म का ज्ञान अग्नि के समान है। निर्गुण उस अप्रकट अग्नि के समान है जो काठ के अंदर है परंतु दिखती नहीं, और सगुण उस प्रकट अग्नि के समान है जो प्रत्यक्ष दिखती है। तत्वतः दोनों एक ही हैं, केवल प्रकट अप्रकट के भेद से भिन्न मालूम होती हैं। इसी प्रकार निर्गुण और सगुण तत्वतः एक ही हैं। इतना होने पर भी दोनों ही जानने में बड़े कठिन है, परंतु नाम से दोनों सुगम हो जाते हैं। इसी से मैंने नाम को निर्गुण ब्रह्म से और सगुण नाम से राम से बड़ा कहा है। ब्रह्म व्यापक है, एक है, अविनाशी है, सत्ता चैतन्य और आनंद की धनराशि है। ऐसे विकार रहित प्रभु के हृदय में रहते भी जगत के सब जीव दीन और दुखी हैं। नाम का निरूपण करके नाम के यथार्थ स्वरूप महिमा रहस्य और प्रभाव को जानकर नाम का जतन करने से, श्रद्धा रूपी नाम जप रूपी साधन करने से वही ब्रह्म ऐसे प्रकट हो जाता है जैसे रत्न के जानने से उसका मूल्य। इस प्रकार निर्गुण से नाम का प्रभाव अत्यंत बड़ा है। अब अपने विचार के अनुसार कहता हूँ कि नाम सगुण, नाम मतलब सगुण राम से भी बड़ा है। श्री रामचंद्र जी ने भक्तों के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके स्वयं कष्ट सहकर साधुओं को सुखी किया, परंतु भक्तगण प्रेम के साथ नाम का जप करते हुए सहज ही में आनंद और कल्याण के घर हो जाते हैं। श्री राम जी ने एक तपस्वी की स्त्री अहिल्या को ही तारा, परंतु नाम के करोड़ों दुष्टों की बिगड़ी बुद्धि को सुधार दिया। श्री राम जी ने ऋषि विश्वामित्र के हित के लिए एक सुकेतु, यश की कन्या, ताड़का की सेना और पुत्र सुबाहु सहित समाप्ति की, परंतु नाम अपने भक्तों के दोष सुख और दुराशाओं का इस प्रकार नाश कर देता है जैसे सूर्य रात्रि का। श्री राम जी ने तो स्वयं श्री शिव जी के धनुष को तोड़ा, परंतु नाम का प्रताप ही संसार के सब भवों का नाश करने वाला है। प्रभु श्री राम जी ने भयानक दंडक वन को सुहावना बनाया, परंतु नाम से असंख्य मनुष्य के मनों को पवित्र कर दिया। श्री रघुनाथ जी ने राक्षसों के समूह को मारा, परंतु नाम तो कलयुग के सारे पापों की जड़ उखाड़ने वाला है। श्री रघुनाथ जी ने तो शबरी जटायु आदि उत्तम सेवकों को ही मुक्ति दी, परंतु नाम ने अगणित दुष्टों का उद्धार किया। नाम के गुणों की कथा वेदों में प्रसिद्ध है। श्री राम जी ने सुग्रीव और विभीषण दोनों को ही अपने शरण में रखा, वह सब कोई जानते हैं, परंतु नाम ने अनेक गरीबों पर कृपा की है। नाम का यह सुंदर विरत लोक और वेद में विशेष रूप से प्रकाशित है। श्री राम जी ने तो भालू और बंदरों की सेना बटोरी और समुद्र पर पुल बांधने के लिए थोड़ा परिश्रम नहीं किया।
परंतु नाम लेते ही संसार समुद्र सूख जाता है। सज्जनगण मन में विचार कीजिए कि दोनों में कौन बड़ा है। श्री रामचंद्र जी ने कुटुंब सहित रावण को युद्ध में मारा, तब सीता जी सहित उन्होंने अपने नगर अयोध्या में प्रवेश किया। राम राजा हुए, आवाज उनकी राजधानी हुई। देवता और मुनि सुंदर वाणी से जिनके गुण गाते हैं, परंतु सेवक भक्त प्रेम पूर्वक नाम के श्रवण मात्र के बिना परिश्रम मोह को प्रबल सेना को जीतकर प्रेम में मगन हुए अपने ही सुख में विचरते हैं। नाम के प्रसाद से उन्हें सपने में भी कोई चिंता नहीं सताती। इस प्रकार नाम निर्गुण ब्रह्मा और सगुण नाम राम दोनों से बड़ा है। यह वरदान देने वालों को भी हर वर देने वाला है। श्री शिव जी ने अपने हृदय में यह जानकारी 100 करोड़ रामचरित्र में से इस राम नाम को सार रूप से चुनकर ग्रहण किया है। अब ये मास वरण का पहला विश्राम शुरू हो चुका है। नाम ही के प्रसाद से शिव जी अविनाशी हैं और अमंगल वेश वाले होने पर भी मंगल की राशि हैं। शुक्र देव जी और सनकादि सिद्ध मुनि योगीगण नाम के ही प्रसाद से ब्रह्मानंद को भोगते हैं। नारद जी के नाम के प्रताप को जाना है। नारद जी ने नाम के प्रताप को जाना है। हरि सारे संकट को प्यारे हैं, हरि 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 को हर प्यारे हैं, और आप श्री नारद जी हरि और हर दोनों का प्रिय हैं। नाम के जपने से प्रभु ने कृपा की, जिससे प्रहलाद भक्त शिरोमणि हो गए। ध्रुव जी ने ग्लानि से विमाता के वचनों से दुखी होकर सकाम भाव से हरि नाम को जपा और उसके प्रताप से अचल अनुपम स्थान ध्रुव लोक को प्राप्त किया। हनुमान जी ने पवित्र नाम का स्मरण करके श्री राम जी को अपने वश में कर रखा है। नीत अजामिल गज और गणिका मतलब वैश्या भी श्री हरि के नाम के प्रभाव से मुक्त हो गए। मैं नाम की बड़ाई कहाँ तक कहूँ, राम भी नाम के गुणों को नहीं गा सकते। कलयुग में राम का नाम कल्पतरु मनचाहा पदार्थ देने वाला और कल्याण का निवास मुक्ति का घर है, जिसको स्मरण करने से भांगसा निकृष्ट तुलसीदास तुलसी के समान पवित्र हो गया। केवल कलयुग की ही बात नहीं है, चारों युगों में तीनों कालों में और तीनों लोकों में नाम को जपकर जीव शोक रहित हुए हैं। वेद पुराण और संतों का मत यही है कि समस्त पुण्यों का फल श्री राम जी में या राम नाम में ही प्रेम होता है। पहले सत्य युग में ध्यान से, दूसरे त्रेता युग में यज्ञ से और द्वापर में पूजन से भगवान प्रसन्न होते हैं, परंतु कलयुग में केवल पाप के जड़ और मलिन है। इसमें मनुष्य का मन पाप रूपी समुद्र में मछली बना हुआ है, अर्थात पाप से कभी अलग होना ही नहीं चाहता। इससे ध्यान यज्ञ और पूजन नहीं बन सकते। ऐसे कराल कलयुग के काल में तो नाम ही कल्प वृक्ष है, जो स्मरण करते हैं ही संसार के सब जंजालों का नाश कर देने वाला है। कलयुग में यह राम नाम मनोवांछित फल देने वाला है। परलोक का परम हितैषी और इस लोक का माता पिता है, अर्थात परलोक में भगवान का परम धाम देता है और इस लोक में माता पिता के समान सब प्रकार से पालन और रक्षण करता है। तो आज का पाठ मैं यहीं पर पूर्ण करती हूँ, कल फिर मिलेंगे। तब तक आप मेरा चैनल अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और तो फिर मिलते हैं एक नए पाठ में। तब तक कहिए सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन पुत्र हनुमान जी की जय। जय सिया राम कहते रहिए।